जीवन में हमेशा याद रखना कि प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती है, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप हर इंसान के अंदर प्रेम ढूंढेंगे, सच्ची तारीफ करेंगे, ईमानदारी ढूंढेंगे, तो आपका दिल हमेशा खुश रहेगा, आप हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, आगे बढ़ने वाले रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके दिल में किसी के लिए नफरत आएगी, लालच आएगी, ईर्ष्या आएगी, आप खुद पाएंगे कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, आपका दिमाग हमेशा ही नेगेटिविटी के बारे में सोचता रहेगा और आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा ही दूसरों से प्रेम कीजिए। हमेशा याद रखना कि तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता है। कुत्ते भौंकते हैं जिंदा होने के एहसास दिलाने के लिए, लेकिन जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ वही लोग बार बार चीख कर चिल्ला कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं जो खोखले होते हैं, जिन्हें पता होता है कि उनसे काम नहीं होने वाला है, जिनसे वो चीजें नहीं होने वाली है, सिर्फ वही लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पर, अपनी प्रोसेस पर और अपने एम पर, उन्हें पता होता है कि आज नहीं तो कल मैं इसे अचीव कर ही लूंगा। और यही वो समय होता है जब हर व्यक्ति आपको नीची दृष्टि से देखता है, वो कहता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, वो आपको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग शेर की तरह होते हैं उन्हें किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं होती है, शांत रहते हैं और अपने काम को करके दिखाते हैं और अपने काम से लोगों को बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है, ना कि कुत्तों की तरह सिर्फ भौंकते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि उनसे उनके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ है। हमेशा याद रखना कि दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर या फिर चिकनी चुपड़ी बातों पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि वो लोग अपना मूल स्वभाव कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक शेर कभी भी हिंसा नहीं छोड़ सकता है, उसी प्रकार से एक दुष्ट इंसान गलत काम करना या गलत विचार रखना कभी नहीं छोड़ सकता है। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग आएंगे जो अपनी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको अपने जालों में फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको लूटेंगे, आपके पैसे को लूटेंगे, आपकी सेविंग को लूटकर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसी समय आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों की बातों में कभी नहीं आना है, चाहे आपको कितना भी लालच दे, क्योंकि इनके पास एक ही शस्त्र है, ये आपको लालच देते हैं अपने चंगुल में फंसाने के लिए, और यदि आप फंस गए तो आप इनके चक्करों में आ जाएंगे। इनसे थोड़ा सा बचकर रहिएगा। हमेशा याद रखना कि अकेले ही लड़नी पड़ती है इस जिंदगी की लड़ाई। लोग तसल्ली तो बहुत देंगे लेकिन साथ कोई नहीं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो तसल्ली देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन उस तसल्ली से आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है और दूसरों के भरोसे पर आप किसी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको अभी भी रुक जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने आप पर भरोसा करने से रोक रही है। क्योंकि जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, आप किसी भी मंजिल को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कभी कभी छोटी मंजिलें प्राप्त हो जाती है किसी और के सपोर्ट से, तो आपको लगता है कि वो सब आप ही ने किया है, लेकिन जिस दिन किसी व्यक्ति का साथ छूटता है जिसने आपको मदद की थी, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप झल्ला जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि पिछली बार भी तो मैंने किया था, अब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने किसी और के सपोर्ट से किया था। आप याद रखिएगा कि जब तक आप खुद पर भरोसा करके 100% श्योर होकर कोई काम नहीं करते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी काम को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या आप 100% उस चीज पर, उस काम पर, अपने आप पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं, या फिर अपने आप को झूठे सपने दिखा रहे हैं, झूठा भरोसा दे रहे हैं, और उस झूठे भरोसे पर कोई भी नींव ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है, वो एक न एक दिन ढह जाएगी। जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति से इतनी घृणा मत करना कि कभी आगे आपको उससे मिलना पड़े तो आपकी नजरें नीची हो जाए, या फिर कभी भी किसी व्यक्ति को इतना प्रेम मत करना कि यदि उस व्यक्ति को आपको छोड़ना पड़े तो उसके बिना आपका जीवन ना चल सके। इन दोनों बातों को हमेशा याद रखिएगा। कई बार आप किसी व्यक्ति से जब घृणा करने पर आते हैं तो इतनी घृणा कर लेते हैं कि यदि जीवन में कभी आगे वो व्यक्ति आपसे मिलता है, मिलने का मौका मिलता है, तो फिर आप उस व्यक्ति से नजरें नहीं मिला पाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, और अक्सर ऐसा होता ही है, कि जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो इतना प्रेम कर लेते हैं कि जब वो प्रेम टूटता है, वो प्रेम छूटता है, तब आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं। पढ़े लिखे लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन अनुभवी लोग अपने हिसाब से
परिस्थिति को बदल देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है किसी का अनुभव। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव से आपको कोई बातें बताता है तो आपको गौर करके ध्यान से उस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि अनुभव बहुत सालों में आता है, उसको लाने में बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और किसी व्यक्ति की पूरी तपस्या, उसका पूरा जीवन उस बात के अंदर होता है। कई बार हम अपने बड़ों की बातों को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि अरे इतना बोलते क्यों है, इतना समझाते क्यों है हमें। वो इसलिए आपको समझाते हैं क्योंकि वो खुद नहीं कह रहे हैं, ये बातें उनके अनुभव से आ रही है। हमेशा याद रखना कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके जीवन का अनुभव। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आपको किसी बात को बताने की कोशिश करता है तो आपको ध्यान लगाकर उस बात को सुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके माता पिता या फिर बड़े को समझाने की कोशिश करते हैं और आप उसे इग्नोर करते हैं। आप कहते हैं कि अरे इतना सारा ज्ञान तो हमारे पास है, हमें क्यों समझा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपका ज्ञान अभी किताबी ज्ञान है, आपके जीवन में वो अनुभव आपने नहीं लिए है जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और यदि किसी की सालों की तपस्या का अनुभव आपको कुछ शब्दों में मिल रहा है तो आपको उस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में मानकर अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके जीवन में स्ट्रगल कम हो। हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार लोगों के बीच में किसी व्यक्ति की बेइज्जती कभी मत करिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि हर व्यक्ति को अपना नाम, अपना जन्म दिवस हमेशा सबसे प्रिय होता है और उसी नाम को बनाने के लिए वो अपनी सारी चीजें करता है, सारी मेहनत करता है, लगन लगाता है। लेकिन सोचकर देखिए कि यदि आप किसी व्यक्ति की और लोगों के सामने बेइज्जती करते हैं, बुराई करते हैं, तो क्या वो आपके प्रति कभी भी अच्छा भाव रख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रख पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि यदि आपको किसी की बुराई करना भी है, किसी की गलतियां बताना भी है, तो वो उसे पर्सनल लेवल पर जाकर बताइए। लेकिन यदि आपको किसी की अच्छाई करना है, किसी की अच्छाइयां बताना है, तो आप जग जाहिर होकर बताइए। कभी भी किसी इंसान के साथ वैसा व्यवहार कभी मत करना जो आप खुद किसी के द्वारा किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अक्सर हर इंसान अपने जीवन में दूसरों से ये उम्मीद तो जरूर लगाता है कि कोई व्यक्ति उसके साथ गलत व्यवहार ना करे, उससे लालच ना रखे, उसके प्रति ईर्ष्या का व्यवहार ना रखे। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हर इंसान ये बातें भूल जाता है। जब वो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जलन रखता है, दूसरों की बुराइयां करता है, तब वो ये उम्मीद कभी नहीं रखता है कि उसे भी उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई और व्यक्ति उसके बारे में ऐसी बातें करता है और उसे पसंद नहीं आती है तो जब वो खुद कर रहा है तब उसे क्यों नहीं समझ में आती है बातें। यदि ऐसी बातें हर इंसान समझ जाए तो समाज से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर सज्जन होते हैं वहां पर संवाद होता है और जहां पर मूर्ख होते हैं वहां पर हमेशा विवाद होता है। सज्जन लोगों को पता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, वो बदलती रहती है, चाहे वो ज्ञान हो या फिर कोई और चीज हो, हर चीज बदलाव की ओर निरंतर बढ़ती जाती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को लगता है कि जो उसे पता है सिर्फ वही सही है, और यदि कोई व्यक्ति उसे कोई नई चीज बताने की कोशिश भी करता है तो वो उस बात को मानता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि जो ज्ञान उसके पास है सिर्फ वही सही है। यदि ये सभी बातें समझ में आई हो और दिल में लगी हो आग, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।